ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है, खासकर आपकी राशि के जातकों के साथ में? हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी सडन बदलने वाली है, क्योंकि ग्रहण के बाद ये जो पल है, जो ग्रहण के बाद बीतने वाले 45 दिनों में से, वो दोनों ग्रहणों के बाद जो टाइम है वो हो चुका है। तो अब हमारे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है और दिसंबर में हमें किन चीजों की सावधानी रखना है, दिसंबर महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या चीजें बेहतर होगी, कौन सी चीजों की सावधानी रखना है, कौन से उपाय करना है, कौन से समाधान करना है, जिससे कि हमारे लाइफ में ये जो जितनी सारी चीजें हैं वो सही रहे और लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आए। दोस्तों, दिसंबर महीने में हम कुछ विषयों पर बात करेंगे, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, रोजगार, व्यापार, दाम्पत्य, अगर धन, कर्ज, और साथ ही साथ हम बात करेंगे दिसंबर महीने के उन चमत्कारिक उपायों की, जिन उपायों को करने से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने में गुरु, शुक्र और इनकी जो युति है, सकारात्मक बदलाव और गोचर जो है, वो कई सारी चीजें लाइफ में बदलने वाला है। तो वो क्या है, इस वीडियो को पूरा देखकर, पूरा समझकर आप अपने इस महीने का सकारात्मक फायदा उठा सकते हैं। आप इस महीने को बहुत शुभ और लाइफ में चीजें जितनी सारी खराब हो रही उन्हें बेहतर करने का मौका दिसंबर महीना आपके लिए है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चली रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, जो भी हमसे मदद हो पाएगी जरूर आपकी करेंगे। सबसे पहले आर्थिक स्थिति की बात हम करें। आर्थिक स्थिति में 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच आर्थिक स्थिति में औचक धन आएगा, रुका हुआ धन मिलेगा, कर्जे से आजादी मिलेगी, और 11 से लेकर 31 दिसंबर तक उससे ज्यादा आर्थिक बदलाव मिलेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा कम है और जैसे जैसे महीना बढ़ेगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और औचक बड़ा धन लाभ आपको अवश्य रूप से होगा। कर्ज भी चुकेगा और जीवन में जो कर्ज से जितने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, वो बिकेगी और एक तेजी आपके जीवन में आएगी। दूसरा, बात करें रोजगार, स्थान परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ पदोन्नति हो सकती है, और उन्नति के साथ साथ में हमारे रोजगार के क्षेत्र में जो नौकरी व्यवसाय से जुड़े वहां पर कोई धोखा छल कपट कर सकता है, सावधान रहे। तीसरी बात, दाम्पत्य सामान्य रहेगा, लेकिन जिन जातकों के पति पत्नी के बीच तनाव या विवाद की स्थितियां है या जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, उन सभी जातकों के लिए शुक्र बहुत ज्यादा शुभ संकेत लेकर आया है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस सब्जेक्ट को लेकर जो उनके जीवन में तकलीफें प्रस्तुत हो रही है दाम्पत्य की वजह से या शादी नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। आपको उपाय इस महीने में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, सूर्य को रुद्र जल आपको चढ़ाएं और साथ ही साथ अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत खुशियों से भरा है, सकारात्मक है, अच्छा है। ओम नमः शिवाय।